हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, उसमें हमने क्या किया था, फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल लास्ट वीडियो में हमने किया था। आपने नहीं देखा तो आप जाके देखो चैनल पे, और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग करने वाले प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा या फिर हो सकता है एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे, उसके हेल्प से आपको बताना है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जो जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, कौन से पीरियड का है या फिर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में वही करने वाले हैं, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा हेडिंग है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, ये आपको दिया है 1s2 2s2 2p3, ऐसा कौन कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, या फिर एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। एटॉमिक नंबर सपोज कर लो एटॉमिक नंबर कितना है, 15 ले लेते हैं ना, और 15 है। अभी क्या करना है आपको, तो जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहना है तो पहले आपको क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेना है। तो चेंज कर लेते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, और 10 हो गया, फिर 3s2 एंड 3p3, तो 10 और 5 15 हो गए। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहेगा या फिर एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा। और आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, सारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि अब हाँ आपको यहाँ से तीन चीज प्रिडिक्ट करना है, जैसे हो गया ग्रुप, देन ब्लॉक, ब्लॉक को मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, एंड पीरियड को पी से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो, ठीक है, तो आप क्या देख, इसमें क्या क्या मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेल मिलता है, मतलब जिसको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, सबसेल मिलता है। सबसेल कौन से होते हैं, एस पी डी एंड एफ, चार सबसेल होते हैं हमारे पास। और आपको मिलता है क्या, इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर दिया ऊपर लिखे हुए सारे इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 जो आपका सेल है, और एस पी डी एफ आपके क्या होते हैं, सबसेल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीन चीज नोटिस करोगे, पहले तो आपको फोकस करना है इलेक्ट्रॉन पे, फिर सेल पे और सबसेल पे। तो यहाँ जो अगर सबसेल है, हम सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और कौन से, सॉरी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कौन से सेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटरमोस्ट। ऑटरमोस्ट हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सेल हमारे, यहाँ देखो फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, तीन तीन सेल है ना, इनमें से ऑटरमोस्ट सेल कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा इनका, मतलब जो ये आपका सेल का सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा, सेल का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या लिखते हैं, 3, ठीक है, ये हो गया आपका 3। तो एन हम 3 लिख रहे हैं, अगर 2 हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा। जैसे एन में, मतलब 3 में 1 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, और अगर 3 में 2 माइनस करेंगे 1 मिलेगा। तो हम आउटरमोस्ट सेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एन का वैल्यू कितना है, 3 है। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं एन का वैल्यू कितना है, देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 और 2 है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है 2। ये ऊपर के नंबर को नहीं देखना, इस नंबर को देखना है सेल के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो नंबर है एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारा सेकेंड सेल है, ऑटोमोस्ट सेल, और इसमें हमारा थर्ड सेल है, ऑटोमोस्ट सेल। चलो अब ये जो सेल है वो हमारा बताएगा पीरियड, जो भी आपका सेल होगा वही आपका पीरियड होगा। जैसे सेल मतलब एन का ऑटोमोस्ट सेल जो भी आपका आएगा वही आपका पीरियड हो जाएगा। जैसे अगर 3 है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन से एलिमेंट का है, जिस भी एलिमेंट का है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं ब्लॉक, सॉरी पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड क्या होता है, पीरियड इक्वल्स टू आउटरमोस्ट सेल, जो आपका आउटरमोस्ट सेल होता है और जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, पीरियड। तो आपका 3 आ रहा है तो थर्ड, 4 आ रहा है तो फोर्थ पीरियड, 6 आ रहा है तो सिक्स पीरियड, ठीक है। चलो अब आते हैं ब्लॉक, ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। देखो जब ये कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे, अगर हम ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले क्या करते हैं, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, हमने क्या किया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन का डाल दिया, फिर
2s में 2s में डाला, अब हमारे पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें जाना है हमको, नेक्स्ट होता है हमारा 2p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1 2 3 हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन डाला तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें डाला आपने, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 तक गया, तो यहां भाग दिया 4 तक हो गया, देन 5 6 फिर 7, 7 हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमको किसमें डाला, p में। तो जिस भी सबसेल में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या जिस भी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही सबसेल हो जाएगा हमारा ब्लॉक। तो यहाँ देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, पी सबसेल में, तो पी सबसेल हो गया हमारा ब्लॉक, मतलब ये कौन से एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, ठीक है। तो पीरियड और ब्लॉक प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, आप देखो कॉन्फिगरेशन को, जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका पीरियड है और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। बट ग्रुप का जो है, ग्रुप प्रिडिक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें थोड़े फॉर्मूले है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहां तक क्लियर है आपका, देख लो आप, ठीक है। कोई भी ये बात याद रखनी, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया रहेगा, या फिर अगर नहीं दिया है तो एटॉमिक नंबर या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम ऐसा भी लिखते हैं, और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, तो नोबल गैस यहां नियॉन लिख सकते हैं, क्योंकि नियॉन के पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नियॉन लिखने के बाद 3s2 एंड देन 3p3 लिख देंगे, ये होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो ऐसा भी दिया रह सकता था हमको, इससे कोई भी मतलब नहीं, सबसे बड़ा नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर हमको दिखना चाहिए, और वही हमारा आ जाएगा कौन सा, पीरियड का नंबर, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप की, चलो तो ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसको अच्छे समझते हैं। तो ग्रुप देखो, अगर तो ग्रुप निकालने के लिए एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर एलिमेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए रूल या फॉर्मूला जो भी बोलो अलग है, एंड डी ब्लॉक के लिए अलग है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये बात करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, कॉन्फिगरेशन देख ले, पीरियड और ग्रुप निकाल लोगे, और जब ग्रुप निकालोगे, सॉरी कॉन्फिगरेशन देख के पीरियड और ब्लॉक निकाल लोगे, ब्लॉक निकालने के बाद आप क्या करोगे, आपको निकालना है ग्रुप, तो पहले आप समझ गए कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं। अगर आपका जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, 1 and 2, दो ग्रुप होते हैं ना, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, तो 2 ग्रुप में अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है और उसमें एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक का एलिमेंट आपने कंफर्म कर लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि उसके एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट हो जाएगा, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट हो जाएगा, और अगर एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 2 का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। एस का बहुत इजी है, देखना है आपको कि एस जो हमारा ब्लॉक आया है, एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस ब्लॉक आया है, एस ब्लॉक हम कैसे प्रिडिक्ट किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, और अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ग्रुप 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ग्रुप 2। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे और समझ में आएगा आपको। अभी इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2+10+ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी सबसेल, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन में लिया था 1s2 2s2 2p3, अब आप यहां क्या करते हो, पहले तो आप पता लगा लो कौन से पीरियड का है, तो आपको बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 2, तो पीरियड आपका क्या हो गया, सेकंड पीरियड हो गया। ब्लॉक आप कैसे पहचानोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो ब्लॉक आप कैसे पहचान लिया आपने, ब्लॉक हमारा हो गया पी ब्लॉक, पीरियड हो गया 2, ब्लॉक हो गया पी। अब निकालना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए क्या करना है आपको, पीरियड जितने भी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी ब्लॉक का एलिमेंट हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो ब्लॉक है वो पी है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ग्रुप निकालने के लिए। तो पी ब्लॉक के केस में क्या करते हैं, 2+10+ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, तो ये 2+10 तो आपको करना है। अब देखना कि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आपका 3, तो कितना हो जाएगा, एड करो 15, तो ये जो कॉन्फिगरेशन है, ये जो भी एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस टाइप से आप निकालोगे क्या, पी ब्लॉक का। अब सपोज कर लो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है आपके पास, अगर आपका एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक का आता है तो उसका उसमें ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो है वो है 2+ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल,
ठीक है, क्या देखते हैं इसका कॉन्फिगरेशन समझते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, ऐसा। अब ये कॉन्फिगरेशन आपको दिया, सबसे पहले x एलिमेंट का ये कॉन्फिगरेशन आपको दिया है। आपको इसमें निकालना है क्या, पहले तो आप निकालो, सबसे पहले क्या निकालोगे, पीरियड। पीरियड के लिए क्या करो, सबसे बड़ा नंबर देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो पीरियड आपका क्या हो गया, फोर्थ। मतलब ये ग्रुप फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है किसका है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो ये फोर्थ पीरियड हो गया। अब हम ब्लॉक जाते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किसमें गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब कॉन्फिगरेशन लिखते हैं हम, तो ये एस टू में नहीं गया, क्योंकि एस टू पूरा हुआ तब जाके डी फाइव में गया, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन गया लास्ट, तो हमारा जो ब्लॉक हो जाएगा वो डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब डी ब्लॉक हो गया तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, डी ब्लॉक वाला। डी ब्लॉक का देखो क्या है, तो इसके लिए ग्रुप निकालना है, अगर ग्रुप निकालना है तो क्या करोगे, टू टू फॉर्मूला में प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस डी सबसे, तो एन आपका क्या है, ये फोर है, सबसे बड़ा नंबर ही तो हमारा एन होता है, ये हमारा है एन, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री, क्योंकि एन हमारा फोर है, तो फोर माइनस वन थ्री, तो एन इक्वल टू फोर, तो एन माइनस वन इक्वल टू थ्री। तो देखो थ्री के डी में देखना है, थ्री में बहुत सारे है ना, लेकिन आपको थ्री के डी पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, तो थ्री के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव इलेक्ट्रॉन, तो टू प्लस फाइव इक्वल टू सेवन, तो ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, आपने क्या कर लिया कॉन्फिगरेशन के हेल्प से, फिर आपने पीरियड भी आइडेंटिफाई कर लिया, ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया, एंड देन ग्रुप भी प्रेडिक्ट कर लिया आपने। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये था, अब आगे हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ ऐसा है, आर्गन, आर्गन में कितना हो गया 18, 4s1, एक ये है, दूसरा है आर्गन, कितना हो गया 18, उसके बाद आता है 4s2, देन 4p5, बेस 4×18 18 20 और 3d, क्योंकि 4 के बाद d आता है, ये हो गया। ठीक है, और कोई बोलता है कि अगर एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना है, एटॉमिक नंबर ऐसा भी हो सकता है एटॉमिक नंबर दे देंगे 23, चलो एटॉमिक नंबर आपका क्या है 23 दिया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए, तो अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले लिखोगे उसके बाद प्रिडिक्ट करोगे, डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे सर मैं लर्न करके जाऊंगा, कितना लर्न करोगे, तो ऐसा सिंपल तो देगा वहाँ 23 नहीं देगा, 86 96 ऐसा कुछ देगा, 96 का तो आपको याद होगा नहीं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए मैं जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, है ना, 1s2, 2s2, 2p6 कितना हो गया 10, 3s2, 3p6 कितना हो गया 18, चाहिए कितना 23, 23 ले लिया, 19 लेते हैं, 19 तो कितना हो गया 10 और हो गया 8, 4s1 ऐसा जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 10 8 18 और 8 19। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन करते हैं, पहले इसका करते हैं, तो मैं क्वेश्चन को एक साथ इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, आर्गन 18, देन 4s1, देन आर्गन 18, 4s2, 3d5, देन सोडियम था, मतलब सॉरी सोडियम नहीं, एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर 19 था, 19 का क्या आया था कॉन्फ्रेशन, लास्ट का कॉन्फ्रेशन बताओ, 4s1 आया था, ये था ना हाईएस्ट नंबर, 4 वाले तो आया था। चलो आप और भी कॉन्फ्रेशन लिख लें, लेकिन आपको लास्ट वाले नंबर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि डी तो आ नहीं रहा इसमें, जब डी नहीं आ रहा तुमको सिर्फ एन से मतलब होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे इसका, पहले तो हम ब्लॉक निकालेंगे, फिर पीरियड, एंड देन लास्ट में ग्रुप निकालेंगे। तो सबका करते हैं, तो पहले फर्स्ट वाले का करते हैं, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है,
तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा ब्लॉक, देखो ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो ये आपका ब्लॉक हो गया इसका एस ब्लॉक। पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे बड़ा नंबर फोर है, मतलब नंबर सेल का सबसे बड़ा नंबर फोर, तो फोर्थ पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड। देन ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, देखो एस का एलिमेंट गया ना, और एस में दो ही ब्लॉक होता है वन एंड टू, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का, और दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ग्रुप का, तो एस में एक ही इलेक्ट्रॉन गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले में जाते हैं, सेकंड वाले में देख लो 18 है, उसके बाद 4s2 3d5, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी में। ठीक है, जब कॉन्फिगरेशन आप लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है आपका डी में, तो ब्लॉक क्या हो गया आपका डी, स्मॉल डी नहीं लिखोगे, कैपिटल डी, डी में इलेक्ट्रॉन गया। एंड देन हाँ पीरियड, पीरियड देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, फोर, थ्री नहीं जाना हमको, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है फोर, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। और ग्रुप अब देखो डी में गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के लिए क्या रूल बताया था, देख लो यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए 2+(n-d) लिखो, तो 2n-d, n हमारा है 4, n- हो जाएगा, n-1 होगा 3, 3 में कितना है 5, तो 2+5=7, तो मतलब ग्रुप जो आपका कौन सा है, 7th ग्रुप का एलिमेंट है। कैसे है, ये दोनों को ऐड नहीं किया हमने, ये और ये रूल में जो 2 है उससे ऐड किया। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं, इसमें देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में गया, तो ब्लॉक ब्लॉक नहीं, लास्ट सब सेल कितना है एस में गया ना, तो एस सब सेल में गया है, फोर्थ में गया है, एंड देन ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया, ग्रुप कैसे करेंगे, एस तो वन इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट सेवेंथ फर्स्ट, ये आपका ऐसा आएगा, देख लो एक बार, चलो हो गया। और कुछ एलिमेंट्स काम कर लेते हैं, यहां पर कितना हो गया, कुछ और कर लेते हैं, सपोज चलो कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको नियम, नियम के साथ 2p6 आता है ना, 3s2 3p4, ये हो गया। फिर आपका आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आर्गन, आर्गन 18 जाता है, 4s2 3d9। ठीक है, फिर ले लो, अभी कंपेरिजन पूरा लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, या फिर 1s2 2s2 2p3, ये हो गया। ये आपका क्या 4 है, 1 2 3 4, चार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या निकालेंगे हम, ब्लॉक देन पीरियड एंड देन ग्रुप। ठीक है, चल ये हो गया आपका, इनको निकालना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट का निकालते हैं, फर्स्ट का क्या आएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 3, तो सबसे बड़ा नंबर 3, तो आपका पीरियड क्या आ जाएगा, थर्ड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, देखो एस पूरा हो गया उसके बाद ही पी में गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो पी में गया है तो ब्लॉक आपका पी। ठीक है, ग्रुप जब पी ब्लॉक आता है तो यहाँ जाते हैं, 2+10=12, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ये हो गया आपका फर्स्ट का। सेकंड का देखते हैं, सेकंड के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहला नंबर ढूंढो, सबसे पहले ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ये एस पूरा हो गया उसके बाद ही तो डी में गया होगा ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब पूरा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो हमारा ब्लॉक डी। ठीक है, उसके बाद पीरियड सबसे बड़ा नंबर, हाँ सबसे बड़ा नंबर ये हमारा 4 है, ये 3 है, सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4। उसके बाद ग्रुप, अब देखो डी में गया, तो ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं, यहां से पहले देखते हैं ये क्या है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं। तो पहले डी में गया है, तो डी में क्या है, 2+d में जितने इलेक्ट्रॉन है, n-1d में, तो n हमारा 4 है और n-1 3 है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन, 2+9=11, तो 11th ग्रुप, 11th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, थर्ड में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका दिया गया है, अब इससे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे पहले देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो हमारा पीरियड हो जाएगा थर्ड।
ओके एंड देन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस पूरा हो गया तभी तो पी में गया है, तो पी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका पी। अब पी के लिए हमारा ग्रुप कैसे निकालते हैं, 2 + 10 और पी में जितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 10 और पी में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 15 ठीक है, सॉरी 2 + 10 = 12 और 5 = 17 17 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 17। नेक्स्ट आपका फोर्थ, फोर्थ वाले का एक और कर लेंगे हम लोग, फोर्थ कर लो ये गया। चलो अभी देखो सबसे पहले नंबर 2 तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस देखो कंप्लीट हो गया, पी में गया है, पी में कितना, पी में कितना गया होगी रहने लो, पहले पी में गया है, उसके बाद कितना गया है 3, तो यहाँ देखते हैं 2 + 10 + 3 कितना हो गया 15, तो ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है ठीक है। एक और ले लेते हैं 5 नंबर में, हम 5 नंबर में ऐसा लेते हैं कुछ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसा कुछ ले लेते हैं ठीक है। लास्ट में आपका है 3s2 3p6 लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका है 3s2 3p6 यहाँ से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है पी में, कैसे पता चला, एस पहले ही भर गया था उसके बाद पी में गया, अब पी भी पूरा भर चुका है तो उस टाइम कोई मतलब नहीं, अब आगे कुछ ऐड करना रहेगा तो नेक्स्ट में ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल हमको पी में ही ऐड करना है, तो हमारा पी ब्लॉक, ब्लॉक क्या आएगा पी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया पी में, ये फिफ्थ का है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यहाँ देखो तो 3 सबसे बड़ा नंबर मतलब थर्ड पीरियड, और ग्रुप जो हमारा ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखो पी ब्लॉक में ग्रुप निकालना है तो 2 + 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं पी ब्लॉक में 6, तो 2 + 6 2 + 10 12 और 6 18 ग्रुप का मतलब कोई ना कोई नॉबल केस होगा ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं, अब बहुत सारे एग्जाम में ऐसे दिए रहेंगे, हो सकता है ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा जाए या फिर सिर्फ एक दे देगा, पूछेगा आपका ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, तो आप इसके हेल्प से अगर ऐसा दिया तब भी आप निकाल सकते हो, इस केस में दिया तब भी निकाल सकते हो, अगर एटॉमिक नंबर दिया उसके लिए भी आना, आप बताया कि पहले एटॉमिक नंबर दिया है और ग्रुप ब्लॉक और पीरियड पूछ रहे हैं, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ठीक है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है तो आप कैसे करोगे, ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम है पी केमिस्ट्री टेलीग्राम पेज है, आप वहाँ पे जाके फोटो सेंड कर दो, जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड अगर नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगा ठीक है। एंड ओवरऑल मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, तो आपको किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, जेई के, जेई एडवांस के, नीट के या एमपीएमटी का ठीक है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो अगर इससे रिलेटेड है तो आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए अभी तक ठीक है, बट आपको सिर्फ कंडीशन ये है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है, वैसे मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।